हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गोभी का पराठा बनाने चल रहे हैं। ठंडी आ रही है तो ये गोभी हम बड़ी बड़ी पीस में काट ले रहे हैं। इस तरीके से देखिए हम गोभी काट रहे हैं। ये पीस हमारी कट गई है गोभी की, तो इसको हम पानी में डालेंगे। ये पानी में डाल के हम रख दे रहे हैं 5 मिनट। उसके बाद पानी से धुल के निकाल ले रहे हैं। ये देखिए धुल लिए हैं साफ से, तो इसको हम छन्नी में निकाल रहे हैं। छन्नी वाली थाली में जो भी पानी हो इसमें और निकल जाए हमारा। इसको हम कद्दूकस कर रहे हैं, तो बारीक कद्दूकस है, ज़्यादा मोटा नहीं है। इस तरीके से हम गोभी को कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए कद्दूकस हो गया है। तो ये बारीक है, ज़्यादा मोटा हमारा कद्दूकस नहीं हुआ है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन मिर्चा बारीक कूट लिए हैं। ये पैन गरम हो रहा है तो सरसों का तेल हम डाल रहे हैं इसमें। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन जो कूटे हुए हैं उसको हम डाल दिए हैं इसमें। अब इसको धीमी आंच में हम ब्राउन कर ले रहे हैं। गोभी भी डाल दे रहे हैं इसमें। ये देखिए अब इसको हम गैस लो किए हैं। इसको 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। 1/2 छोटा चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं। इसको हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला ले रहे हैं, पका ले रहे हैं। देखिए हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही इसको भूनना है हमको। इसमें थोड़ा सा हम हींग डाल रहे हैं। ये सभी चीज़ों को बराबर से चला के पका ले रहे हैं। इसमें हरी धनिया लगा दे रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। नमक हम बाद में डाल रहे हैं, नहीं तो गल जाती गोभी हमारी। ये नमक डाल दिए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं, ठंडा हो जाए। इस तरह हम आटा लगा ले रहे हैं, तो आटा हार्ड नहीं लगाना है, सॉफ्ट रहना चाहिए। ये देखिए आटा लगा के हम रख दिए थे तो मुलायम हो गया है। लोई बना ले रहे हैं हम। ये लोई बना लिए हैं, तो चम्मच से हम इसको दबा के इसमें भर रहे हैं। देखिए गोभी को इस तरीके से इसको हम फोल्ड करके दबा दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से सभी लोई को तैयार कर ले रहे हैं। हल्के हाथों से इस पर हम बेलन चलाएंगे, ज़्यादा दबाएंगे नहीं, नहीं तो फट जाएगा। हमको बहुत ही आराम से बनाना। ये बन गया है तो हम तावे पे इसको डाल दे रहे हैं। तावा गरम है, इसको पलट दिए हैं, तो इसमें ब्रश के सहारे से हम तेल लगा देते हैं। रिफाइंड है हमारा। ये चारों तरफ से अच्छे से लगा के पलट देते हैं। ये हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं इसी तरह से तेल। देखिए लगा लिए हैं बराबर से। इसको धीमी आंच में हमको पकाना है। ये देखिए फूल आया है पराठा हमारा, ये पक गया है। तो इसी तरीके से हम सभी पराठा बना ले रहे हैं।
ये देखिए धीमी आंच में हम इसको भी पका लिए हैं। ये पराठा हमारा बनके रेडी है। आप लोग बताइएगा कैसा हमारा तरीका लगा। अगर हमारा तरीका पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।